हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री सो माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ओके सो लेट अस स्टार्ट सो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस तो आप सिंपल नाम से ही बता सकते हो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस मीन वॉट द फोर्सेस दैट आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इट मीन्स जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स force, फोर्सेस होते हैं उसे हम इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस कहते हैं ओके सिंपल बात मॉलिक्यूल्स के बीच में इट इटमीन्स एक एग्जांपल बताओ एच टू भी एक मॉलिक्यूल है एच टू भी तो ये दो एच टू के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम आई एम एफ भी लिख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्लियर ओके समझ में आ गया ये क्या होता है दोस्तों फोर्सेस होता है तो हमें ये पर्टिकुलर सेशन में इसके बारे में पढ़ना है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है तो वो बहुत ही अलग अलग टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ओके okay, तो वो सबको डिटेल में हमें पढ़ना है ये चैप्टर के अंदर एंड ये टॉपिक के अंदर ठीक है तो इंटर मोलिकुलर फोर्स में अभी आपको पता है हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि इंटर फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर स्ट्रॉगर देन इंटर मोलिकुलर फोर्सेस तो जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होंगे कैसे होंगे वीक होंगे इट मीन्स अगर आप कंपेयर करिए इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है आयनिक उसके बाद कौन होता है कोवेलेंट होता है ये सब पढ़ा ना हमने ठीक है तो अभी आप ध्यान रखना कि अभी आयनिक कोवेलेंट से ये ये जो फोर्सेस है बहुत ही बहुत ही वीक होते हैं कौन से कौन से होते हैं आइए देखते हैं ठीक है सबसे पहला फोर्स होता है वांडर वाल फोर्स ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाल फोर्स ठीक है फिर दूसरा होता है दोस्तों आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एक दूसरा क्या आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स आता है आप अगर तीसरे की बात करें तो आयन डाइपोल इंटरएक्शन वाला फोर्स आता है आयन डायपोल इंटरएक्शन वाला फोर्स आता है एंड अगर आप फोर्थ टाइप की बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स की तो उसमें आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें क्या आता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है ठीक है दोस्तों क्लियर तो बेसिकली चार टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं आप आराम से कह सकते हो वांडरवाल फोर्सेस आयन इंड्यूस डायपोल फोर्सेस आयन डायपोल इंटरेक्शन के बीच में फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में फोर्स तो वांडरवल फोर्स जो होता है उसको भी फर्दरली हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं एक फर्स्ट पार्ट आता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ये समझाऊंगा सब बहुत ईजी है ठीक है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इधर सेकेंड की बात करते हम तो वो आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड थर्ड होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन इसको अलग अलग कौन से नाम से हम जानते हैं लंडन फोर्स वो सब सब पढ़ेंगे इसके अंदर इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे ठीक है तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वांडरवाल फोर्स ये वीडियो के अंदर आयन इंड्यूस डायपोल फोर्स पढ़ेंगे एंड आयन डायपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो ये वीडियो के अंदर हम ये चारों को ये तीन को खत्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का अलग वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है एंड उसके कुछ एमसीक्यू कैसे क्वेश्चंस आते हैं कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट ठीक है ओके okay, तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं वाणरवाल फोर्सेस से इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे निकलते हैं ठीक है चलिए तो पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही बहुत ही वीक इंटरक्शन फोर्सेस होते हैं एंड ये बेसिकली बे किसके बीच में होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं अगर एच और सी की बात करें तो दो एटम हो गए तो वो इंटर एटॉमिक हो गया बट एच टू एच टू दो अलग अलग मॉलिक्यूल है उनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं तो आइए वरव फोर्स की बात करते हैं ओके okay, ये बहुत ही वीक होते हैं वाणरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं इतना याद रखना ठीक है वाणरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं इसको आपको याद रखना है उसमें फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से समझ लेना इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स डायपोल इंड्यूज डायपोल इट मीनस होता क्या है होता क्या है इसे समझिएगा इसकी आपने कुछ बातें याद रख ली ना दोस्त तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेसिकली ये नॉन पोलर दो मॉलिक्यूल होते हैं दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है इसका दूसरा नाम है लंडन फोर्स और उसको डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है उसको डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है, डिस्पर्जन कहा जाता है? वो भी इन्वेंट किया था इसको लंडन फोर्स कहा जाता है ठीक है इसीलिए उनको क्या कहा जाता है लंडन फोर्स कहा जाता है ओके तो आप समझिए पहले तो डायपोल आपने समझा हुआ ही है डायपोल मोमेंट के सारे वीडियोस मैंने बनाया हुआ है डायपोल मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ तो जब हम डायपोल की बात करते हैं दोस्तों हमेशा याद रखना डायपोल की बात करते हैं उसमें टू पोल्स होते हैं ठीक है उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में होता है तो नॉन पोलर मीन क्या जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है तो हम बात करते हैं दो एच की तो H2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है सेम रहती है दो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इधर भी क्या होता है दो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर किया है अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बताऊं तो ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये उसकी क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एटम Atom के एटॉमिक ऑर्बिटल होती है मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है एंड आपको पता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन इधर है एंड उसके पास भी क्या होगा इसके पास भी इधर दो इलेक्ट्रॉन है ओके तो अभी होता क्या है कि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन तो इधर घूमते रहते हैं समझना ध्यान से इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ओके तो ये सिमेट्रिकली होता है ओके समझ लेना बहुत ही ध्यान से बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये पर्टिकुलर क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब घूम के इधर आता है इस साइड आता है इस पोर्शन में आता है, इस पोर्शन में आता है ये घूम के इस पोर्शन में आ जाते हैं तब जाके उनका क्या होता है डिस्पर्जन हो जाता है इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इधर पॉजिटिव चार्ज आता है इट मींस इधर पॉजिटिव 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 इधर नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बन जाता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इट मीन्स क्या कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर घूम के आएंगे तब जाके क्या हो जाता है कि चार्ज का डिस्पर्जन हो जाता है चार्ज फैल जाता है कुछ टाइम के लिए फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए तो इससे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया अभी ये तो बेचारा सीधा साधा था मॉलिक्यूल तो ये क्या करेगा ये एक डायपोल बन गया अभी क्योंकि उसके अंदर टू तो पोल्स दिखाई दे रहे हैं तो ये डायपोल बन गया ये डायपोल ये अभी सिंपल है तो अभी पॉजिटिव चार्ज के टूअर्ड्स इधर किसका अट्रैक्शन होगा नेगेटिव का तो इधर भी एक का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इधर नेगेटिव चार्ज आएगा इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक डायपोल ने दूसरी डायपोल बनाई तो इसीलिए इसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है बट इंस्टेंटेनियस क्यों इंस्टेंटेनियस क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही इधर चार्ज सेपरेशन देखा जाता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही इधर चार्ज सेपरेशन देखा जाता है कुछ टाइम के लिए फिर वापस आ जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर उनका कुछ टाइम के लिए हो जाता है एंड कुछ ही टाइम में ये डायपोल इसके ऊपर से एक दूसरी डायपोल जनरेट करता है इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स और लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है एंड हमेशा याद रखना किसके बीच में पाया जाता है नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में पाया जाता है फिर से बताता हूं ये H2 था ये H2 है ये दो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली घूम रहे थे इसके आजू बाजू बट कुछ बार कैसा होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तब पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाता है एंड फ्रैक्शन हो जाता है इट इटमीन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उनका डिस्पर्जन हो जाता है चार्ज बट जाते हैं कुछ टाइम के लिए एंड डायपोल जनरेट हो जाती है एंड वो डायपोल अभी ये सीधे साधे बंदे को भी डायपोल बना देती ठीक है तो ये क्या हो गया हो जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होता है बट इंस्टेंटेनियस एकदम कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है तुरंत हो जाता है इसकी वजह से इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है ठीक है समझ में आया इसे लंडन फोर्स भी कहा जाता है इसे डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसका पावर जो होता है वो साइज के डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के डिरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब समझा रहा हूं टेंशन मत लेना ओके एंड मैग्नीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में ये काम में लगेंगे तो लंडन फोर्स किसके बीच में होता है दो नॉन पोलर स्पीसीज के बीच में होता है एमसीक्यू देखते हैं अगर दो एच टू एच टू लिए है एच सी एल एच सी एल लिए है एच टू लिए है एंड एच एफ लिए है तो किस में लंडन फोर्स होगा तो आप कह सकते हो कि जब दो एच टू के बीच में लंडन फोर्स होगा एच टू एच टू एचसीएल एच सी एल एच टू एच टू एच एफ एच एफ किस में लंडन फोर्स होगा एच टू क्यों क्योंकि नॉन पोलर है बाकी के तीनों तो पोलर है अभी आपको तो फाइंड करना आता है ना पोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं ठीक है ठीके दोस्तों ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं इसके ऊपर से कुछ आपको एमसीक्यूज बना के देता हूं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है ओके डन चलिए तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमें अगर हमें सारे के सारे अगर हमें सारे के सारे जैसे ऐसे दिए हैं F2 दिया है F2 F2 Cl2 Cl2 Br2 Br2 I2 I2 एक चलो एक डब्बे के अंदर हमने F2 F2 भरा है एक के अंदर Cl2 Cl2 भरा है एक के अंदर Br2 Br2 एक के अंदर I2 I2 तो किसके बीच में सबसे ज्यादा लंडन फोर्स होगा आपको यह तो पता है कि दो नॉन पोलर के बीच में क्या आएगा दोस्तों इतना तो आपको अभी पता है कि दो नॉन पोलर के बीच में आप आराम से कह सकते हो कि यह इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स आएगा लंडन फोर्स आएगा बट अभी आप देखो कि मैग्नीट्यूड इसका पावर किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा साइज के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा तो सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगा तो I2 I2 की साइज ज्यादा होती है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना तो आप ऐसे बना सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा लंडन फोर्स किस में होगा I2 में होगा समझ में आ रहा है फिर अगर मैं आपको तीन कंपाउंड बताऊं जैसे पेंटेन लेता हूं जिसने ऑर्गेनिक समझा हुआ है उसे पता चल जाएगा पेंटेन है ये ये टू मिथाइल ब्यूटेन है इसके नेम वगैरह सब मैं ऑर्गेनिक सिखाऊंगा तब पता चलेगा अगर आपने पहले से सीख लिया है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है बट ये एग्जाम्पल तो समझ में आएगा इसे एन पेंटेन कहते हैं इसे आइसोपे ब्यूटेन कहते हैं इसे नियोपेंटेन कहते हैं नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आई भी नए अलग अलग होते हैं बट अगर आप देखोगे तो सबके अंदर सी फाई है मान लो एक कंटेनर में मैंने इसके सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसके भी मॉलिक्यूल्स अलग कंटेनर में लिए हैं, इसके भी तो किसका ये सारे नॉन पोलर है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है तो किसमें सबसे ज्यादा होगा तो भाई ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है तो ये सब में ब्रांच ज्यादा है तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा यार सिंपल बात है सिंपल बात है क्या नहीं कि जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ओके तो ये वाला जो होगा वो वीक होगा ये सबसे स्ट्रांग होगा ठीक है एंड फिर ये तो सबसे ज्यादा वन स्ट्रांग फिर सेकेंड फिर थर्ड इसका ऑर्डर ऐसा आएगा एंड सरफेस एरिया मीन क्या कि कितना सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है अब देखो तो ये पांच कार्बन एक ही लाइन में है तो सबसे ज्यादा जगह रोकेंगे ये ये चार कार्बन एक लाइन में है है तो तो उससे कम कम जगह रोकेंगे उसका सरफेस सरफेस एरिया एरिया हो गया एंड तीन ही है, तो इसका और ज्यादा कम हो गया तो आप सिंपल कह सकते हो कि सरफेस एरिया जिसका ज्यादा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इसीलिए इसका पावर ज्यादा होगा कंपेयर टू तो दिस टू अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा भाई मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस टू इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इससे ठीक है समझ रहे हो क्लियर तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे कम एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा ऐसे आप बहुत ही बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन आप कर सकते हो समझ रहे हो खाली आपको क्या देखना है साइज देखना है ठीक है समझ में आ जाओ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं अभी ये समझ लिया तो बाकी तो सब आपको बहुत इजी लगने वाले हैं दोस्त बहुत ही बहुत ही इजी लगने वाले हैं चलिए फिर दूसरी बात करते हैं तो वाणरवल फोर्स के अंदर हमने फर्स्ट देख लिया इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डायपोल बन जाता है दूसरी डायपोल बना देते हैं अभी इसका तो नाम ही क्या है डायपोल डायपोल फोर्स तो दो डायपोल के बीच में जो फोर्स लगता है दो डायपोल के बीच में तो ये बेसिकली आप हमेशा याद रखना पोलर पो, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके बीच में दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ठीक है तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं एच का इधर भी मैं एच का एग्जाम्पल लेता हूं आपको पता है एच में क्या होता है सीएल के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हो क्यों क्योंकि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी ज्यादा है इसकी डायपोल मोमेंट कौन सी डिरेक्शन में होगी ये डिरेक्शन में इसकी डायपोल मोमेंट ये डिरेक्शन में होगी अभी ड्यू टू चार्ज सेपरेशन डायपोल बन रहा है दो पोल दो पोल ठीक है इसमें भी बन रहा है अभी ये दोनों के बीच में क्या होगा एक वीक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा ना यार नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा एक वीक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं क्या कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अगर कोई पूछे आपको कि पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में दो आप देख सकते हो दो एच सी एल एचसीएल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा वो बेसिकली किसके बीच में होता है दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है समझ में आ गया ना दोस्तों सिंपल है कि नहीं है ओके okay. एंड याद रखना इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अगर कोई आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलारिटी जिसकी पोलारिटी जितनी ज्यादा होगी जिसकी पोलारिटी जितनी ज्यादा होगी उतना उतना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ज्यादा होगा एंड मैग्नीट्यूड दोनों के बीच के डिस्टेंस के पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है ओके okay, ये जनरली पूछा नहीं जाता इसे खाली याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि एच सी एल एच सी एल एंड एच बी आर एच बी आर ये दोनों दे दिए ये दोनों दे दिए किसमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा तो आपको देखना है किसकी पोलारिटी ज्यादा होगी तो आप देख सकते हो एच सी एल एंड एच बी आर तो इधर ये सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके कंपेयर में तो इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका डायपल मोमेंट ज्यादा होगा इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा बट इससे कम होगा इट इटमीन्स पोलरिटी इसकी ज्यादा है समझ रहे हो समझ रहे हो ना तो पोलरिटी इसकी ज्यादा है तो फिर ये आपका मैग्नेट्यूड इसका पावर ज्यादा होगा समझ रहे हो बहुत ही सिंपल है दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है बहुत ही बहुत ही बहुत ही सिंपल है ओके एंड अभी आता है लास्ट वाला डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल थर्ड आप नाम से ही समझ गए होंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल ये किसके बीच में होता है तो आप देखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तो एक डायपोल दूसरी डायपोल बनाता है तो एक क्या होगा पोलर होगा डायपोल वाला एंड इंड्यूस्ड डायपोल तो दूसरा क्या होगा नॉन पोलर तो वो पोलर और नॉन पोलर के बीच में पाया जाएगा जैसे मान लो एच सी एल पोलर है एंड एच टू नॉन पोलर है उससे क्या होगा एच सी एल ऐसे होगा इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज एच टू ऐसे होगा तो ड्यू टू दिस डायपोल ये जैसे ही नजदीक आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से राइट right साइड चला जाएगा तो इसमें भी आपको एक डायपोल जनरेट कर दी तो एक डायपोल ने दूसरी डायपोल बना दी एक डायपोल ने दूसरी डायपोल बना दी क्लियर तो उसे क्या कहते हैं इंड्यूस्ड फोर्स कहते हैं समझ रहे हो ना इसे क्या कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं दोस्तों पहला वाला देखा वो क्या था कुछ ही टाइम के लिए बनता है दो नॉन पोलर के बीच में बनता है ये पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो एच टू एन टू ओ टू CCl4 फोर्थ मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे ना नॉन पोलर के ठीक है कुछ भी पोलर में भी आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है समझ में आ गया डन क्लियर तो ये आपको याद रखना है ये था पूरा वाण्डरवाल फोर्स बहुत इजी है दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे के दो देखते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए जरा ओके चलिए तो ये वाणरवाल फोर्स खत्म हो गया है ना बहुत आसान दोस्तों है ना बहुत आसान तो ये खाली आपको याद रहा फिर एमसीक्यू में कुछ अलग अलग आपको ट्रिक भी बताऊंगा ठीक है एमसीक्यू के अंदर इट so, मीन ये वीडियो के अंदर आखिर में अभी सेकेंड हम बात करते हैं वो होता है अपना आयन इंड्यूस्ड आईपोल अभी आप देखिए आयन इंड्यूस्ड आईपोल इट मीन्स कौन डायपोल बनाता है आयन डायपोल बनाता है तो आयन इंड्यूस्ड आईपोल में आप एक आयन होगा आयन मे बी कैट आयन मे बी एन आयन कुछ भी हो सकता है एंड डायपोल मींस वो क्या होगा इंड्यूस्ड डायपोल है तो वो नॉन पोलर पार्ट होगा जब कोई आयन जैसे सीएल माइनस है तो सीएल माइनस अगर एच टू के आजू बाजू आ जाता है एच टू के आसपास आ जाता है एच टू ले लो एन टू ले लो एफ टू ले लो ओ टू ले लो कुछ भी ले लो यार ओके नॉन पोलर वाला तो सीएल माइनस है उसका तो नेगेटिव चार्ज है अगर एच ऐसे था ऐसे इसके नजदीक आएगा तो क्या करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज में वो भी एक क्या फॉर्म कर देगा डायपोल फॉर्म कर देगा इट मीनस आयन एक डायपोल बना रहा है क्या बना रहा है आयन एक डायपोल बना रहा है तो इसे क्या कहते हैं हम आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है वो कुछ कैट आयन भी हो सकता है अगर यहां पे आपने एन ए प्लस ले लिया चलिए एन ए प्लस एंड एच टू इधर आया तो फिर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा समझ रहे हो इधर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा समझ रहे हो क्या तो एक नॉन पोलर को इसने बनाया ठीक है आप बी आर माइनस भी ले लो बी आर माइनस एच टू उनके बीच में कौन सा होगा अट्रैक्शन फोर्स तो आप देख सकते हो आयन इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा है ना सिंपल क्लियर समझ रहे हो इन अभी लास्ट वाला देख लेते हैं एंड वो होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन जो थर्ड होता है अपना वो है आयन डायपोल इंटरेक्शन तो वो क्या होता है तो वो आयन और डायपोल तो आयन का तो कुछ भी हो सकता है कैट आयन भी हो सकता है एन आयन भी हो सकता है डायपोल मीनस पोलर तो जो कैट आयन और पोलर के बीच में लगता है उसे क्या कहते हैं आयन डायपोल इंटर आयन डायपोल इंटर जैसे एनए को आप पानी में डा, डाल दो एनए को पानी में तो एन के अंदर कितने आयन होते हैं एन ए प्लस एन सी माइनस तो आपको पता है हमने देखा था एन ए प्लस के आजू बाजू सारे एच टू ओ के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सॉल्वेशन करेंगे देखा था क्या नहीं सब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इटम नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे ऐसे ओ एच एच तो वो नेगेटिव होगा एच पॉजिटिव होगा इस, इसकी जगह पे मैं ऐसे बता रहा हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो ये जो अट्रैक्शन फोर्स हुआ क्या हुआ आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स स आई सी एल माइनस होगा तो क्या हो जाएगा इधर सारे एच हाँ एच आ जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो ये अट्रैक्शन हुआ वो क्या हो गया दोस्तों आयन डायपोल इंटरेक्शन बहुत ही ईजी है अभी ये पांच का ऑर्डर क्या है अभी ये तो आपको समझ में आया कंसेप्ट समझ में आ गया इन शॉर्ट कंसेप्ट समझ में आ गया ये किसके बीच में होता है कैट आयन एन आन और नॉन पोलर ये कैट आयन एन आयन और पोलर के बीच में होता है ठीक है ना इट मीन्स आपको कंसेप्ट समझ में आया अभी जाके मैं एमसीक्यू किसके ऊपर से बेज आते हैं वो सिखाता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है चलिए तो अभी मैं बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए अभी टोटली totally अपना लेक्चर होगा बेस्ड ऑन एमसीक्यू तो अभी याद रखना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयन डायपोल आयन डायपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसमें फिर आता है डायपोल डायपोल इंटरक्शन डायपोल डायपोल इंटर आता है फिर आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन समझ लेना सारी बातें ठीक है फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फिर आएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड लास्ट में अपना आएगा लंडन फोर्स इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस ओके okay, एंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड सिखाया नहीं है बट लिख लीजिएगा ये ऑर्डर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर दे दिया अभी मैं बताता हूं आयन डायपोल किसके बीच में होगा आयन प्लस पोलर के बीच में होगा डायपोल डायपोल किसके बीच में होगा पोलर प्लस पोलर के बीच में होगा आयन इंड्यूस डायपोल किसके बीच में होगा आयन प्लस नॉन पोलर के बीच में होगा समझ रहे हो ना बात को डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होगा पोलर प्लस नॉन पोलर के बीच में होगा एंड ये दो नॉन पोलर के बीच में होगा एनपी एनपी नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में होगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने आपको चार ऑप्शन देंगे सीएल माइनस एच बी आर फिर एच टू एच बी आर फिर एच टू एच टू फिर आपको मिलेगा सीएल माइनस एंड एच टू ठीक है तो ये चार को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें इसमें से स्ट्रोंगेस्ट कौन सा है ऐसा पूछ लिया इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है तो ये क्या हो गया आयन पोलर तो आयन पोलर तो आयन डायपोल हुआ कि नहीं आयन पोलर तो आयन पोलर सबसे ज्यादा है ये नॉन पोलर पोलर तो ये तो सेकेंड लास्ट आएगा ओके इसको फर्स्ट नंबर दे देते इसे तो फिर लंडन ये लंडन फोर्स आएगा तो ये फोर्थ आएगा ये थर्ड आएगा एंड ये आयन नॉन पोलर तो आयन नॉन पोलर मीन्स आयन इंड्यूस हो गया तो ये अपना क्या आएगा सेकेंड आएगा सबसे पहले ए आएगा फिर डी आएगा फिर क्या आएगा बी आएगा एंड फिर सी आएगा ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछते हैं इसकी वजह से ये सारी चीजें हमें करना जरूरी है सारी चीजें हमें करना जरूरी है ठीक है तो ये आप ऑर्डर याद रखना सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए मैं इसको हटा रहा हूं स्क्रीनशॉट लीजिए मैं इसको हटा रहा हूं अभी अगर आपको ऐसा पूछा गया आपको ऐसा पूछा गया कि आपके पास एच है एचसीएल है एच है एंड एच है एच एफ एच एफ एचसीएल एच सी एल एच बी आर एच बी आर एच आई एच आई ठीक है तो इसमें हमने क्या देखा था हमने क्या देखा था कि भाई जनरली ऑर्डर क्या आना चाहिए तो ऑर्डर हमारा ये आना चाहिए ना एच आई एच आई फिर एच बी आर एच बी आर फिर एच सी एल एच सी एल फिर एच एफ एच एफ बट दोस्तों एच एफ सबसे आगे आता है ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है रियल ऑर्डर ये है एच एफ फिर एच आई फिर एच बी आर एंड फिर एच सी एल क्यू क्योंकि तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा इसमें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा तो फिर आप देख सकते हो ठीक है ओके तो वांडरवाल फोर्स ज्यादा एच है में होगा फिर एच जनरली इतना याद रखिए कि जो वांडरवाल फोर्स होता है वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इतना याद रखिए एटॉमिक मास के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इतनी बातें याद रखना ठीक है वंडरवाल फोर्स एटॉमिक मास अभी इसमें एटॉमिक मास किसका ज्यादा है एच का तो एच का सबसे ज्यादा होगा फिर एच का होगा फिर एच फिर एच आएगा बट एच सबसे आगे है क्यों क्योंकि एच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मैंने इधर लिखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पावरफुल होगा सबसे पावरफुल होगा ठीक है समझ में आ रहा है तो ये होगा इसका ऑर्डर क्लियर समझ रहे हो यस और नो ओके अगर अभी एक बहुत ही बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए ओके इसे बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ओके चलिए तो अगर मैं आपको बता दू कि हमारे पास बीई सी एल टू है बीई बी आर -बी टू है एंड बीई आई टू है तो इसमें इसमें किसका वांडरवल फोर्स ज्यादा होगा किसका वर्ल्ड फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि किसका फोर्स ज्यादा होगा वांडर वर्ल्ड तो जाने दो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका ज्यादा होगा तो हमने देखा कि भाई जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो इसका ही ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड क्या आ रहा है एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आ रहा है ये आ रहा है बट रियालिटी रियालिटी कुछ अलग ही कहती है रियालिटी ऐसे कहती है कि बी सी एल टू ज्यादा होगा फिर बी बी आर टू एंड फिर बी आई टू ठीक है क्यों ऐसा ऐसा ही देखा जाता है एल आई सी एल के अंदर फिर एल आई बी आर के अंदर एंड एल आई आई के अंदर उसमें भी ऐसा देखा जाता है क्या जनरली एक्सपेक्टेड ये ट्रेंड आता है एटॉमिक मास के हिसाब से ठीक है बट रियल कैरेक्टर ऐसा आता है एल आई सी एल फिर एल आई बी आर फिर एल आई आई तो क्यों ऐसा वॉट इज द रीजन फॉर दैट ऐसा ही देखा जाता है ए एल सी एल थ्री फिर ए एल बी आर थ्री एंड ए एल आई थ्री एक्चुअली ये ज्यादा आना चाहिए बट ये क्यों आ रहा है ये सारे एक्सेप्शनल केस क्यों है तो एक्सेप्शनल केस के लिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो याद रखना जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो हमने अभी तक जितने भी बॉन्ड देखे जैसे एच सी एल एच सी एल वो नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में ही बॉन्डिंग था समझ रहे हो ना जब मेटल और नॉन मेटल तो ये अभी अब देखिए ये मेटल है ये नॉन मेटल है मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल तो जब भी मेटल नॉन मेटल आता है आपको पता है ना एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं पता है ना आपको इतना तो पता होना चाहिए तो जब मेटल और नॉन मेटल होते हैं इट मीन्स वो क्या बॉन्ड फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं बट हमने देखा था कोई भी बॉन्ड इसे समझिएगा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमने देखा था कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो हम कैसे फाइंड करते थे रूल से फाइंड करते थे तो ट्रिक बता रहा हूं कभी भी आपके पास लिथियम है बेरिलियम है मैग्नेशियम है एल्यूमिनियम तो है याद रखना लिथियम बेरिलियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम के हेलाइड है है किसके हेलाइड है लिथियम बेरिलियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम के हेलाइड है तो इसका वरवाल फोर्स जो होगा वो हमेशा याद रखना दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलारिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बॉन्ड पोलारिटी आएगा एक्सेप्ट फ्लोराइड ओके इधर लाइड में इधर लिख लेना एक्सेप्ट फ्लोराइड एक्सेप्ट फ्लोराइड खाली फ्लोराइड इनका क्या होता है ओके okay? वो बॉन्ड पोलारिटी में इसको हम कंसिडर नहीं करते याद रखना है एक्सेप्ट फ्लोराइड ओके okay? क्लियर याद रखना एक्सेप्ट फ्लोराइड लिथियम फ्लोराइड नहीं लेंगे इसकी बात के लिथियम फ्लोराइड ज्यादा आएगा सबसे ओके लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आएगा इधर देखने जाए तो ये ये अपने उसके हिसाब से आएगा ठीक है बट ये याद रखना जब हम इसके इसके फ्लोराइड लेते हैं एक्सेप्शन बी एफ टू बी एफ टू देखे तो बी एफ टू में भी वो बी एफ टू होता है ठीक है बाकी के फ्लोराइड सारे आयनिक होते हैं तो उसके तो बी एफ टू मत लेना बाकी लिथियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम के फ्लोराइड्स भी जो होते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बाकी उसकी बॉन्ड पुलारिटी के हिसाब से हम देखेंगे ठीक है याद रखना ये बॉन्ड पुलारिटी तो बॉन्ड पुलारिटी आपको पता है इसकी बॉन्ड पुलारिटी ज्यादा होगी सीएल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पुलारिटी ज्यादा ठीक है तो उसको ऐसे देखेंगे इसलिए इसका ये ऑर्डर आता है याद रखना ये पूछते हैं बहुत ही बार तो ये पूरा मैंने ट्रिक बता दिया आपको सब कुछ सब कुछ इसके अंदर बता दिया ठीक है अगर मैं आपको पूछ रहा हूं ए एल सी एल थ्री है एंड ए एल बी आर थ्री है किसका किसका वाल फोर्स ज्यादा होगा किसका इंटर वाले कल ऑफ फोर्स ज्यादा होगा तो एएलसीएल थ्री तो ये एल्यूमिनियम आ गया हेलाइड आ गया तो हेलाइड है के अंदर क्या करेंगे दोस्तों याद ही रखने का जिसकी पोलारिटी ज्यादा वांडरवाल फोर्स ज्यादा तो इसकी पोलारिटी ज्यादा आएगी तो एएलसीएल थ्री ग्रेटर देन ए एल बी आर थ्री तब जाके हम ये वाले रूल्स देखने वाले नहीं है ठीक है हमने देखा ना मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉलिंग पॉइंट अगर इन दोनों में ऐसा पूछ लगा कि इसका बॉलिंग है, तो इसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका बॉलिंग पॉइंट कम होगा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना दोस्तों ठीक है कोई भी क्वेश्चन आपको बन सकता है एंड बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो बहुत ही आसानी से चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ओके तो कुछ क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ सॉल्व करते हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं वो आप जरा करिए जैसे BR2, BR2, I2, I2. BR2, BR2, I2, I2. नॉन पोलर तो में क्या देखेंगे हम नॉन पोलर में क्या देखेंगे साइज तो साइज इसकी ज्यादा है तो भाई इसका ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स ठीक है फिर अगर ऐसे दिया हो ओ टू माइनस एंड एच टू दिया है एंड दूसरा दिया है सीएल माइनस एन ओ टू तो आप देख सकते हो ये आयन पोलर हो गया आयन पोलर ये हो गया आयन नॉन पोलर तो ये आयन नॉन पोलर इधर है एंड आयन पोलर सबसे ज्यादा तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा ये वाला समझ रहे हो ठीक है हीलियम हीलियम एंड आर्गन आर्गन तो क्या होगा साइज दोनों नॉन पोलर है तो हम क्या देखेंगे साइज देखेंगे साइज के हिसाब से आर्गन आएगा ठीक है अगर मैं बात कर रहा हूं बी सी एल टू बी बी आर टू की तो क्या करेंगे तो अभी ये तो भाई हेलाइड आ गया इसके तो जिसका पोलारिटी ज्यादा तो बी सी एल टू का ज्यादा तो ये आएगा अगर एच टू और एन टू के बीच में आ गया तो एच टू और एन टू के बीच में तो क्या करेंगे एच टू और एन टू के बीच में आया तो जिसका साइज ज्यादा एन टू का साइज ज्यादा होता है ये आ गया ठीक है दोस्तों अभी अगर मैंने पूछ लिया एच सी एल एच बी आर एन एच एफ तो आपको पता polar -polar है ऐसा सारे पोलर पोलर है एटॉमिक मास देखेंगे तो एच बी आर फिर एच सी एल बट एच एफ का सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्शन होता है ना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड पावरफुल होता है तो दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं तो बहुत ही मजेदार सा वीडियो था मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन शेयर ओके एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके okay, सच में सही लगा हो अच्छा लगा हो समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूले बिकॉज योर कमेंट्स आर मोटिवेशन फॉर मी ओके थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कंसर्न थैंक यू